अपने पिछले वीडियो कुछ देर पहले पोस्ट किया था, जो जहाँ पे मैं जवान मूवी का रिव्यू किया था। अब मेरा पहला मूवी रिव्यू वीडियो है, ठीक है। तो मूवी रिव्यू कैसे करते हैं, मुझे उतना तो एक्सपीरियंस है नहीं कि कैसा मूवी रिव्यू करते हैं। तो आगे आगे करते करते हो जाएगा एक्सपीरियंस, अगर आप लोगों ने सपोर्ट किए करोगे तो ऊपर से मेरा हिंदी भी थोड़ा वीक है क्योंकि मैं बंगाली हूँ, और बहुत से ताने लोग मारते हैं क्योंकि मेरा हिंदी थोड़ा वीक है। तो मानने दो भाई, आप वीक है तो क्या मैं डॉक्टर दिखा के अपना हिंदी ठीक करूं? भाई बोलते बोलते अपने आप ठीक सही हो जाएगा। तो सब हर चीज़ का सही टाइम होता है भाई, एक टाइम लगता है हर चीज़ को सही होने में। तो मेरे से जितना हो सके मैंने अपना 100% दिया हुआ। आप पब्लिक को कैसा लगेगा, पब्लिक जाने, ठीक है। अगर एक्सेप्ट करेगा अच्छे से तो एक्सेप्ट करेगा, नहीं करेगा तो नहीं करेगा। मैं और कोशिश करूंगा और मेहनत करूंगा। तो भाई आज की जो वीडियो है वो मैं जवान अभी का जो वीडियो है तो वो मैं मूवी का रिव्यू परफेक्ट तरीके से करूंगा, ये नहीं भाई, ये मूवी का रिव्यू वाला वीडियो नहीं है। ये वीडियो है एक बंदे को बहुत बुरी तरीके से रिप्लाई करना है, जो कि आमिर खान, शाहरुख खान या सलमान खान, ये तीन खान्स को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। इसको इन खान्स की जितने भी मूवी दे दो, जितना बेहतर मूवी दे दो, इसको पसंद नहीं आता भाई। तो अब बात करते हैं, एक एक क्रिएटर बंदा, उसको डॉगी भाई बोलते हैं, लेकिन मैं उसको डायरेक्ट बोलता हूँ कुत्ते, कुत्ता भाई हो, ठीक है, कुत्ता भाई। तो समझ ही जाए होगे कौन है, गले में गोल्ड का चेन पहन के काला काला मुंह लेके आ जाते हैं, ठीक है। इसको गदर 2, इसको बहुत बढ़िया मूवी लग गई थी, पता नहीं कैसे मूवी बढ़िया लग गई थी, हालांकि बहुत कमाई तो की है, 500 करोड़ जैसे जो गदर के नाम पे हो गई थी। और बात करेंगे जवान मूवी का डे 1 के कलेक्शन, भाई साहब जितने भी पीछे मूवी है, चाहे गदर 2, पठान, सब की छुट्टी कर दी डे 1 की कलेक्शन ने, ठीक है। तो भाई खत्म कर दी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो वीडियो शुरू करते हैं, बात करते हैं जवान के डे 1 कलेक्शन। देखो भाई डे 1 के कलेक्शन में अभी नंबर 1 पे है पठान, जो कि 57.8 करोड़ रुपये कमाई की थी, ठीक है। और उसके पीछे ही है ठीक KGF चैप्टर 2, 55 करोड़ रुपया। उसके नीचे आ गया शायद शायद गदर 2, तो और उसके नीचे पता नहीं, क्योंकि और नीचे जाऊंगा तो हैप्पी न्यू ईयर, प्रेम रतन धन पायो, भारत, ये सब मूवी आएगा, ठीक है। तो अभी तो नंबर 1 पे पठान ही है। तो भाई पठान अगर 60 करोड़ भी कमा लेता ना डे 1 पे, तब भी जवान पठान को पछाड़ देता। डे 1 के कलेक्शन में प्रिडिक्शन के देखा कि 65 करोड़ रुपया तो ओनली हिंदी से कमा रहा है ये। 65 करोड़ रुपया भाई, 65 करोड़ रुपया हिंदी से कमा रहा है। और इसका जो तमिल तेलुगु में बात करें तो भाई पूरा ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो भाई ये 70 से 75 करोड़ रुपया कमाई करते हुए नजर आ रहे हैं। तो भाई इस अनबिलीवेबल। और वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वाइड तो भाई छोड़ दी दो, सब खत्म हो गया। पठान 3 दिन में वर्ल्ड वाइड पे ऑल वाइड मिला के 100 करोड़ करके मार रहा था, ये तो भाई लगता है कि 150-200 करोड़ करके मारेगा। तो भाई मूवी जैसा बनाओगे भाई कलेक्शन है वैसा ही होगा। अभी ऐसा तो नहीं है कि कोविड के बाद जो सुशांत सिंह का जो केस हुआ था उसके बाद जो पब्लिक बॉलीवुड के ऊपर नफरत कर रही थी, ऐसा दौर खत्म हो गया था भाई। जो बॉयकॉट बॉलीवुड चल रहा था ये सब दौर चला गया, ठीक है। अब मूवी कोई अच्छे डायरेक्टर के साथ, अच्छे एक्टर के साथ, अच्छे एक्टर का मूवी आता है, कोई अच्छी मूवी थिएटर में आता है, तो सबसे पॉजिटिव बात यही है कि लोग मूवी देखने जा रहे हैं, ये बात समझ लो। हालांकि देखो जवान का टिकट प्राइस जो नॉर्मल 2D में है और 440 का है, कोलकाता का मैं बता रहा हूँ, अभी मुंबई का पता नहीं और दूसरे स्टेट का पता नहीं, अपना जो कोलकाता है 440 का बता रहा है, ठीक है, मल्टीप्लेक्स में 2D में। तो भाई टिकट प्राइस मैटर नहीं करता, लोग उसी प्राइस में थिएटर में मूवी देखने आ रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है। तो मूवी का जो क्रेज था वो क्रेज वापस आ गया है, और एक क्रेज अगर, एक ऐसा क्रेज अगर रहे तो आगे और भी खतरनाक होने वाला है, आगे और भी बड़े बड़े मूवी आने वाला है, जैसे डंकी है, सलार है, और द डायनासोर का बाप है टाइगर 3, ठीक है, फाड़ के रख देगा भाई सबको। अब बात करेंगे उस कुत्ते भाई के बारे में जिसको खाली खान्स की मूवी आए तो उसको बदनाम करना है, नेगेटिविटी फैलाना है उसका काम है। और इसका गदर 2 उसको बहुत बढ़िया लगता है, और भी मूवी है किसी भी एक्टर की ले लो, लेकिन खान्स का मूवी उसको पसंद नहीं आता। 2016 सुल्तान तक उसका ठीक ठाक चल रहा था, ठीक है, दो सुल्तान तक उसने ठीक ठाक मूवी रिव्यू भी देता था, लेकिन उसने शुरू किया दंगल से, दंगल से उसका नेगेटिविटी चालू हुआ। और आज देखो कुछ दिन पहले टाइगर 3 का ट्रेलर पोस्टर आया था, सॉरी, तो उसने क्या बोल रहा था कि पोस्टर में मजा नहीं आया और
ठीक है, तुमको मजा नहीं आया होगा, तुमको पोस्टर पसंद नहीं आया होगा, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी नजरिया है, अलग बात है। फिर उसने उसके बाद बोला कि अभी सलमान खान में मजा नहीं है, सलमान खान ये नहीं है, वो चाहता है कि सलमान टाइगर 3 के साथ सालार का क्लास हो जाए, फिर उसको देखना है कौन टाइगर है कौन डायनासोर है। अभी जिस बंदे ने 35 ईयर्स से बॉलीवुड में राज कर रहा है, वो एक 2 करोड़ के स्टार के साथ कंपेयर करेगा, जिसका लास्ट ब्लॉकबस्टर मूवी था बाहुबली 2, उसके बाद साले ने एक हिट मूवी नहीं दिया, उसके साथ कंपेयर करेगा वो टाइगर का? साला शकल तो एक तुम्हारा खराब है, एक तो काले कुत्ते लगते हो, कुत्ता भाई तो तुम हो ही, और काले कुत्ते, तुम एकदम काले कुत्ते हो भाई। अगर मेरा औकात में है, अगर मेरे जेब में पैसा रहा उस वक्त टाइगर 3 के टाइम, और मेरा हैसियत बनता है, तो मैं गेटी गैलेक्सी में टाइगर 3 देखने आ रहा हूँ बेटा, और बॉबी कुत्ता तेरे से आमना सामना करना है मुझे। मुझे तू कितना बड़ा क्रिटिक से कितना बड़ा मूवी रिव्यूअर है, वो मुझे देखना है ओपन कैमरा किसी दिन ना भाई। तू जब मूवी जो रिव्यू करता है ना, जो स्टार के बारे में नेगेटिविटी फैल रहा है, अभी तू जवान की जवान का मूवी रिव्यू करा कर देखा मैंने, तो क्या बोल रहा है कि आखिरी अक्षय कुमार का जो गब्बर इज बैक जो मूवी आया था, पूरा सेम टू सेम मूवी है। साले मूवी देखा है तो मैं, मेरा यकीन नहीं हुआ, गब्बर इज बैक जैसे मूवी और जवान मूवी को एक सेम बता दिया, कैसा बंदा है वे तू? मुझे तो लगता है तू मूवी ही नहीं देखा, तू दूसरे लोगों का जो रिव्यू देख के तू ऐसा वो बोल रहा है, और उधर तो माइक में जाके बोलने में तुम्हारा दम नहीं है, क्योंकि तुमको पता है कि तुम शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, इनका मूवी के बारे में अगर थिएटर के बाहर तुम कुछ बोल दोगे तो तुम्हारा वहीं पे तुम्हारा एकदम फट जाएगी तुम्हारा, ठीक है, जो फैंस के सामने तुम अगर बक दिए। इसीलिए तुम क्या करते हो, घर में आके साला एक तो मारते हो, साला देसी मार के आते हो, सारा दिन जब भी देखता हूँ तुझे साला लगता है कि तू साला देसी पी के रखा है या चारूस गंजा फूक के रखा है, और कुछ दिन पहले तो बोल रहा था कि बॉलीवुड साला गंजाड़ी, तो साला तू लगता है गंजाड़ी, और तू बात करेगा सर के और सलमान के बारे में, उसके मूवी के बारे में, तू होता कौन है, तेरा औकात है, तू उसके मूवी रिव्यू करेगा तो मूवी रिव्यू मत कर। और गेटी गैलेक्सी में मैं टाइगर 3 देखने आ रहा हुआ, और मैं ऑन कैमरा आज बोल रहा हूँ कि मेरा अगर 10K सब्सक्राइबर पूरा हो गया तो मैं टाइगर 3 गेटी गैलेक्सी में देखूंगा, ये मेरा जुबान है, ठीक है, ये मेरा वादा है। तो आप लोग फटाफट सब्सक्राइब कर दो, ये भी एक बढ़िया तरीका है भीख मांगने का, तो चलो भाई कर दो, इतना तो आप कर ही सकते हो मेरे लिए। तो भाई नेगेटिविटी फैलाने से पहले फैंस के बारे में सोच लिया करा, तो सोचा ही होगा, तू सोचा है, इसीलिए तू थिएटर के बाहर आप रिव्यू नहीं देता, क्योंकि पता है थिएटर के बाहर अगर रिव्यू देगा तो तेरा रिव्यू निकाल देगा उधर फैंस लोग, चाहे वो सर के फैंस हो या सलमान के फैंस हो, तू आके घर में एक कमरे में बैठ के भौंकता है, ठीक है, साला कुत्ते भाई, तू साला शकल है कुत्ते का, दिमाग ठीक कर और दोबारा नेगेटिविटी मत फैला, ठीक है। तो भाई वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, और जितने भी शाहरुख खान के फैंस हैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद भाई, आपका स्टार आया है थिएटर में, बहुत बढ़िया मूवी बनाए हो, आपका स्टार के साथ थिएटर में एंजॉय कीजिए, मूवी का एक्सपीरियंस लीजिए। और दूसरी बात भाई, मैं अपने पिछले वीडियो में बोला था कि आप मेरे स्टार को रिस्पेक्ट दोगे, मैं आपके स्टार को रिस्पेक्ट दूंगा, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए वीडियो समाप्त करते हैं, जय सलमान भाई।